हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम फिलिप्स कंपनी के टी बल्ब के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, नॉर्मल बल्ब पहले जो आता था ये 9 वाट का बल्ब है, एलईडी बल्ब, इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग ज्यादातर। ये 9 वाट, ये भी अच्छी रोशनी देता है, लेकिन फ्रेंड्स अब ये ओल्ड फैशन हो चुका है। अब ये फिलिप्स कंपनी का देखिए, ये 10 वाट का एलईडी बल्ब आया है, जो कि अगर हम इसको सिंगल पीस लेते हैं तो ये करीब 200 रुपीज के आसपास पड़ता है इसकी, या अगर हम अगर इसको 2 पीस लेंगे तो ये हमें 300 के 2 पीस मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी कॉस्ट पर टी बल्ब 150 रुपीज आएगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत और ट्रेंडी डिजाइन में है, ये मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरे एलईडी बल्ब पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आज भी इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन के हो चुके हैं। इनको आप अगर इनकी जगह पे आप इसको फिलिप्स के इस टी बल्ब को लगाएंगे, ये 10 वाट का है फ्रेंड्स, वो 9 वाट, 10 वाट, 12 वाट, कई वाटों में आता है। अगर इसको आप एलईडी बल्ब को, ये टी बल्ब को लगाएंगे फिलिप्स के, तो बहुत ही अच्छी रोशनी देगा। और इसमें फ्रेंड्स 2 साल की वारंटी है, अगर 2 साल में कोई प्रॉब्लम आती तो आपको ये रिप्लेस हो जाएगा। और इसकी रोशनी बहुत ही अच्छी है और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत है, फैशनेबल है। मैं देखा ये फ्रेंड्स, ये टी बल्ब, और इसकी खासियत ये है कि फ्रेंड्स ये आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसको, ये देखिए रोटेट हो गया, ये इसको आप अप एंड डाउन जिस पोजीशन पे कर चाहें कर सकते हैं। और ये करीब 10 इंच के आसपास है इसकी लेंथ। और ये देखिए इसकी देखने में कितना खूबसूरत और ट्रेंडी है। और इसकी इसकी जो पावर है ये 10 वाट का है, उसकी रोशनी उससे ज़्यादा, जो 9 वाट का एलईडी बल्ब होता है उससे काफ़ी ज़्यादा है। मैं अभी इसको आपको जला के दिखा देता हूँ। अगर फ्रंट से ये आप ये इस पोजीशन में लगाते हैं तो ये अप एंड डाउन हो जाएगा, और अगर इस पोजीशन पे लगाते हैं तो आप लेफ्ट या राइट ऐसे मूव कर सकते हैं, इसको इस होल्डर को मूव कर सकते हैं। मैं इसको भी आपको जला के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा बल्ब होल्डर है, इसमें मैं ये इस बल्ब को लगाता हूँ। ये तो नॉर्मल बल्ब है जैसे आपने देखा होगा। अब इसको हटा के मैं इस टी बल्ब को लगा देता हूँ। ये नॉर्मल बल्ब होल्डर में लग जाता है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कोई भी अलग से वायरिंग नहीं करानी या कोई भी अलग से इसमें बल्ब होल्डर नहीं लगे, ये नॉर्मल बल्ब होल्डर में लग जाता है। देखिए, एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए ये इसको मैंने ये लगा दिया। अब इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, ये देखिए इस डायरेक्शन रोटेट हो गया, ये इसे मोड़ दिया, इस डायरेक्शन में मोड़ रोटेट हो गया, और इस डायरेक्शन में कई डायरेक्शन में आप कर सकते हैं। और मैं इसको आप भी दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैं दूसरे इसको भी ऑन कर देता हूँ साथ में। ये फ्रेंड्स, मैं रोटेट करके दिखा देता हूँ इसको। देखिए रोटेट हो गया, ये वापस ऐसे आ गया, और ये सामने मैंने फ्रंट में कर दिया, ये लेफ्ट राइट और अप डाउन किसी भी डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। तो इसको ट्विस्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए अप एंड डाउन तो होता ही है, साथ में आप ये देखिए इसको घुमा सकते हैं, ये देखिए घूम गया, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये टी बल्ब देखने में भी बहुत खूबसूरत है, और ये उससे काफ़ी ज़्यादा लाइट ग्लो करता है, उससे ज़्यादा लाइट लाइट एमिशन करता है। तो आप जैसे उसको, उसकी जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें फिलिप्स की 2 साल की वारंटी है।